जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे आ, हर प्रभु मेरा जो जी जी
सुजान ना पुलई मेरे गोविंदा मेरे गोविंदा। चोची मेरे गोविंदा चोची मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोची जियो हर आपे कान उपाएंदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी चोची जियो हर आपे सब कट भोगदा भोगदा रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी सुचेत होए कै चेतना को चार किया कतुहु अचिंत होए कै सोबत अचेत हो कतुहु पिखारी होए कै मांगत फिरत पीक कहू महादानी होए कै मांग्यो तन देत हो कहू महाराजन को दीजत अनंत दान कहू महाराजन ते छीन छित लेत हो कहू बेदरीत कहू तास्यों बपरीत कहू त्रिगुण अतीत कहू सरगुण समेत हो कहूं देवतान के दीवान मैं विराजमान कहूं दानवान कुमान मत देत हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से कहूं इंद्र पदवी छिपाए शीन लेत हो कतुहूं विचार अविचार को विचारत हो कहूं निज नार पर नार को निकेत हो कहूं बेदरीत कहूं तासों बपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो कहूं जटाधारी कहूं कंठी तरे ब्रह्मचारी कहूं योग साधी कहूं साधना करत हो कहूं कान फारे कहूं डंडी होए पधारे कहूं फूक फूक पावन को प्रति पै तरत हो कतुहु सिपाही होए के साधत सिलाहन को कहूं छत्री होए के अरि मारत मरत हो कहूं भूम पार को उतारत हो महाराज कहूं भव पुतन की भावना परत हो जो जी मेरे गोविंदा जो जी मेरे प्यारे हर प्रभ मेरा हर प्रभ मेरा चोची जियो चोची मेरे गोविंदा चोची मेरे गोविंदा चोची मेरे गोविंदा वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन गोद अंदर जुड़ मिल बैठ के सतगुरु जी दे
इलाही दर्शन दीदारियां दा साहिबां दी इलाही गुरबाणी दे कीर्तन दा जिस दे संबंध अंदर सतगुरु जी बख्शिश करदे ने करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। जे कोई सतगुरु जी दा ए कीर्तन जुड़ के श्रद्धा नाल भावना नाल निमख मात्र भी गा लए सतगुरु जी कहिंदे संसार दे बंधना तो छुटकारा पा के जीवन मुक्ति नूं प्राप्त कर सकता है। तो आओ जिस साहिब दी बख्शिश दा सदका ये सुभाग समा सानू प्राप्त हो रहा है शुकराना करिए सतगुरु जी दा उन्हां दी ही बख्शीश गुरफते प्यार सहित सांझी करदियां सारे ही गुरु चरणा ते सिर झुकाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शाम दे कीर्तन अंदर बाबा जी दे हजूरी रागी इस तुक दी टेक लैके कीर्तन सरवण करवा रहे सन। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। उस वाहिगुरु दे नाम तो बिना बाकी ऐ इंसान जो कुछ संसार दे अंदर तू करदा फिरदा ये सब होशियां गल्लां ने ये तेरे किसे काम आउण वालियां नहीं। ते इस गल नूं सतगुरु जी कहिंदे सताई सिमरतियां चार वेद छे शास्त्र ते सारे अठारह दे अठारह पुराण सारे ही पुकार के ये गल कह रहे ने कि उस वाहिगुरु दे नाम तो बिना जो कुछ भी तैनूं नज़र आ रहा है ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है। दुनिया तो एक जादूगर दा तमाशा है। जादूगर दा तमाशा सच्चा नहीं झूठा होया करदा है। कुछ शिना वास्ते ते भावें सानू सच्चा भासदा है पर जदों वो तमाशा खत्म हुंदा है जादूगर अपने सारे समान नू समेट लैंदा है इकट्ठा कर लैंदा है ते पता चलदा है कि ये ते एक खेल सी ये ते एक ड्रामा सी ये ते कोई झूठी चीज़ सी। बहुत कुछ उन्हें दिखाया बड़े करिश्मे दिखाए बहुत समान भी उन्हें अपने मंत्र तंत्रिक सिद्धि दे नाल पैदा करके दिखाया पर जो कुछ भी नज़र आया वो सब कुछ ही झूठ सी। तो कबीर साहब जी इसे करके कहते ने भी आ जो संसार तेनों नज़र आ रहा ना इन्हां अस्थूल अखां दे नाल ये भी एक जादूगर का तमाशा है। कहते परमात्मा भी एक बाजीगर है वो भी एक जादूगर है। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई सारी खलकत तमाशे दे रूप विच संसार ते पैदा कर दिती जदों उस परमात्मा बाजीगर ने अपना डंका अपना डमरू बजाया। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। जदों अपने इस स्वांग नूं सकेलदा है भाव इकट्ठा कर लैंदा है उदों अपने रंग रवै अकेला उदों ये अनेकता एकता विच बदल जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने अनेक हैं अनेक हैं अनेक हैं फिर एक हैं। एक तो ही अनेक होया ते अनेक तो फिर जदों उदा जी चाहुंदा वो फिर एक हो जाता है। चौपाई दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिश करते ने कहिंदे जब उद करख करा करतारा परजा धरत तब दे अपारा। उद करख मैंने फैलाओ करना ते टीकाकार ये भी अर्थ करते ने उद करख मैंने अख खोलनी। जब उद करख करा करतारा जदों करतार ने अपने आप नू फैलाया उस वेले की होया परजा धरत तब दे अपारा। आ सब खंड ब्रह्मांड सूरज चंद्रमा तारे सितारे धरती ते सारी खलकत होंद विच आ गई। जब उदकरख करा करतारा
परजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जदों किते तुसी इस सारे पसारे नू आकर्ख करदे हो, आकर्ख मैंने आकर्ष, पंजाबी विच खखा लफ्ज वरत्या जांदा है ते संस्कृत विच उहदी थां ते कक्का ते शशा वरत्या जांदा है, जिहनूं असी पाखान कहिंदे हां। गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर लफ्ज़ वरत्या कबीर साहब जी ने, पाखान गड कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ, पाखान। ते संस्कृत विच उहनूं कहिंदे ने पाशान, पाशान मैंने पत्थर। एक पाखान है, एक पाशान है, जिहनूं पाशान कहा संस्कृत विच उहनूं पंजाबी विच कहा पाखान, भाव पत्थर। भाव जिथे छछा वरत्या गया ना उत्थे वरत्या गया खखा, ते जिथे वरत्या गया आकर्ख उहदा मतलब है आकर्षक करना, भाव अपने आप वल नूं खिचना। जदों कहिंदे जिहड़ा तुसीं अपने आप विचों सारा पसारा फैलाया है, जदों किते तुसीं उहनूं अपने वल खिचदे हो, जब आकर्ख करत हो कम हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, सारा कुछ तुहाडे विच समा जांदा है। तो सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल ही होशियां। उस वाहिगुरू दे नाम तो बिना सब कुछ कूड़ झूठा क्यों है, क्योंकि सब कुछ चलाए मान है, कुछ भी रहन वाला नहीं। इसलिए ऐ इंसान आ जो अमोलख मनुका जन्म तैनू दिता है परमात्मा ने, ये उस सच नाल जुड़न वास्ते दिता है भी तू उस वाहिगुरु के सच्चे नाम नाल जुड़ के तू उस सच का हिस्सा बन जाए, किते ए ना होए भी तू कूड़ का हिस्सा बनया रह जाए। जदों कूड़ ने बिनस जाना तो तू भी बिनस जाना। आ जिहड़ा तेरा शरीर है ये भी झूठा है, ये भी चलाए मान है। तो गुरु साहब जी की बाणी जदों असी पढ़ते हैं, गुरु साहब जी कहिंदे ने जैसे जल ते बुद्ध बोधा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची जान लेहो रे मीत। गुरु साहब जी कहिंदे ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान तो बिना कुछ भी सच्चा नहीं। ज्यों सुपना अर पेखना, जदों इंसान नूं नींद आ जाती है, नींद दे दौरान ये सुपना देखता है, तो सुपना अक्सर झूठा होया करता है। सुपने दे विच जो कुछ भी देखिया हुंदा है, जो असी सुख माण रहे हैं आनंद माण रहे हैं, जदों सानू जाग आउंदी है जाग खुलदी है उस ही वक्त वो सारा सुख वो सारा राज भाग खत्म हो जाता है, चला जाता है। क्योंकि असल विच नींद दे दौरान सुपने विच ही वो कुछ सानू दिखाई दे रहा सी, वो सच नहीं सी। नींद दे दौरान इंसान सुपना देखता है, लेकिन नींद दे विच नहीं पता लगता भी सुपना झूठा है। जदों जाग आउंदी है उदों पता लगता है भी जो कुछ देख रहा सी भी ये झूठ सी। इस तरह संसार है तो झूठा। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी गए रहे दिल्ली, मजनू टिले ते मुकाम किया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, ते गुरु नानक देव जी महाराज भी उत्थे गए सन। उत्थे जिहड़ा फकीर रहिंदा सी ना उस अस्थान ते, उहने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे पास आ के यह सवाल किया सी भी सच्चे पातशाह जी सुनदे आ भी संसार झूठा है, तुसी दसो भी जे ते ये झूठा है ते फिर ये सारा कुछ सानू सच्चा क्यों भासदा है, जे ते झूठा है फिर सच्चा क्यों भासदा है, ते जे ये सच्चा है ते फिर इहनू झूठा क्यों कहा जांदा है। तुसी कृपा करके सोझी पाओ। ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने फिर ये दृष्टांत दिता सी भी ऐ फकीर साई सुपना तू देखिया होएगा, नींद दे दौरान सुपना जदों इंसान नूं आउंदा है सुपने विच दुखी भी हुंदा है सुपने विच सुखी भी हुंदा है। जे कोई सुपना इस प्रकार का आ जाए भी सुपने दे विच इहनूं बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है लभ रहा है बड़े सुख प्राप्त हो रहे ने, ते सुपने दे दौरान कई बार इंसान हसदा भी तुसी तकोगे सुपने दे दौरान ही, उन्हूं पता नहीं हुंदा।
ਅਤੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਪਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੀ, ਬਸ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਖੋਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਤੂੰ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਿਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੈਪਾਲ ਬਿਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰਮੂੰਡ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਕਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ, ਤ੍ਰਿਣ ਮੈਨੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਖੋਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਡਪ ਉਸਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਛੱਤਰ ਚਲਾਇ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ।
कहते मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, बारह योजन छत्र चलाया था देही गिरजन खाई। देही गिरजा ने खाधी अखीर नू, रुलदी रही देही, उहदे शरीर नू संभालण वाला भी कोई ना बचिया, सारे ही मारे गए महाभारत के युद्ध अंदर। मेरी मेरी करन वाला किधर चला गया? भगत नामदेव जी कहिंदे होर दृष्टांत देख, कहिंदे सर्व सोयन की लंका होती, तू तो एक सधारण आदमी है ना, तू तो उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकता, तू कहदा मान करदा? सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहिंदे जी दी लंका ही सोने दी सी, जिन्हें सारे देवी देवते अपने वस विच अधीन विच कीते हुए सन। चंद सूरज जाके तपतर सोई, बैसंतर जाके कपरे धोई। कहिंदे एक लख पूत सवा लख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती। ऐडा प्रतापी राजा, सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई, कहाँ पयो दरबंधे हाथी शिन में पई पराई। लंका भी पराई होगी, किसे दी हो गई, वो लंका ते माण करन वाला वो रावण भी नहीं रहा, जिन्हें काल नू पावे नाल बन्या होया सी। कहिंदा भी जदों जी चाया इनू मार देंगा। बस अज भलक करदा करदा वो काल ने रावण नू ग्रास लिया। साध संगत जी, एक पुराणक कथा है, असल विच सतगुरु जी स्पष्ट करदे ने भी कोई भी इंसान काल तो बाहर नहीं, कोई भी। सिर्फ लफ्ज वरत्या गया परमात्मा वास्ते अकाल मूरत, अकाल जिहड़ा काल तो बाहर है। बाकी जो भी है ना, जिन्हें खंड ब्रह्मांड तारे सितारे सूरज चंद्रमा धरती ये जिन्हें भी ने ये सारी काल दे अधीन ने। सूरज भी घटता जा रहा है, जेडे साइंसदान ने ना वो कहिंदे ने भी जेडे जिस सूरज दे थले असी जिउने हैं ये सूरज अपनी पिछली उम्र विच चला गया, पाप बुढ़ापे वाली उम्र विच चला गया, एक वक्री गल है। गुरु साहब जी ने संस्कृत अंदर जिक्र भी किया है भी घटंत रूपं घटंत दीपं, दीप भी घटते ने रूप भी घटता है, तो जेडे तारे सितारे नखियत्र सूरज चंद्रमा कहिंदे सारे दिनों दिन घटते ने। संसार दे अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, गुरु साहब जी कहिंदे काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। विष्णु भी ब्रह्मा भी शिवजी भी ये समां नियत करके परमात्मा ने पैदा किए ने, काल दे अधीन ने। एक दिन इन्हां दी भी मौत हो जानी है। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये तमाशा सारा काल दे अधीन किया होया। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। कहिंदे जिस अकाल ने ये सारा तमाशा पैदा किया, गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे मेरी नमस्कार ओनू है। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जचन उपजायो, आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे समझ लो कि मेरा गुरु ओ अकाल पुरख वाहिगुरु है। साध संगत जी, सारा संसार काल दे समय दे अधीन है, ते समा जिहड़ा है ना वो बंदे नू प्रभावित करदा है। समय अनुसार इंसान विच तब्दीली आउंदी है। समा सी कि जिहड़ा अज बजुर्ग है, एक छोटा जिहा बाल सी, किते जमीन ते रिड़दा सी, इहनू तुरना भी नहीं आउंदा सी। माँ बाप ने तुरना सिखाया, बोलना सिखाया, हौली हौली इहदी उम्र वधी, बचपन विचों किशोर अवस्था विच गया, किशोर अवस्था विचों जवानी दी अवस्था च चला गया, जवानी च जाके इहनू अपने जोवन ते इन्ना माण हो गया, बाकी सारा संसार भुल गया। ये कहिंदा भी मैं ही हाँ, हुण मैं ही सब तो सुंदर है, मैं ही सब तो शक्तिशाली है, मैं ही सब तो सियाणा है। जवानी विच अक्सर इंसान नू ये मुगालता ये भरम ये भुलेखा पिया रहिंदा है कि मेरे नालों सूझवान, मेरे नालों वधेरे नौजवान, मेरे नालों वधेरे शक्तिशाली ते सुंदर होर कोई नहीं। ये भुलेखा पिया रहिंदा इंसान नू, ते इसे भुलेखे विच इहनू मौत भुल जांदी है, मौत भुल जांदी है, ते इहनू रब भुल जांदा है। तो साध संगत जी, इस तरह
समा प्रभावित करता है तो जवानी तो बाद अवस्था आ जाती है तो वाल चिट्टे होने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा संदेश भेजता है, यू दसदा जिहड़े चिट्टे वाल ने ना, चिट्टे वालों द्वारा संदेशा भेजता परमात्मा एक भी वह इंसान जे पहला नहीं ना जागया हुण जाग पा। तो ये की करता है, ये नींद चैना सुता भी बाजार चो काला रंग खरीद लिया तो वह फिर दाड़ी ते मल लैंदा। जिहड़े वाल चिट्टे परमात्मा ने किते हुंदे आ ना बाजार विचों कालख लिया के तो वह कालख दे नाल चिट्टे वालों नूं फिर काले कर लैंदा भी लोगों नूं पता ही ना लगे भी ये तो बुढ़ा इन्हें होना ही नहीं किते। पर बाबा फरीद जी नूं पुछो भी कि वह वाल काले करने चाहिए है कि परमात्मा ने जिहड़ा वह संदेशा जिहड़ी चिट्ठी भेजी है उन्हूं पढ़ना चाहिए है कि वेख फरीदा जोथिया। पहला लफ्ज वरत है वेख, भाव ध्यान दे इहदे वाले पासों अवेसला ना हो। वेख कहिंदे वेख फरीदा जोथिया दाड़ी होई भूर, आ जिहड़े तेरे वाल कक्के हो गए ना इन्हां नूं वेख वेख के पढ़। कहिंदे परमात्मा ने इहदे ते कुछ लिख के भेजिया तैनूं, वेख फरीदा जोथिया दाड़ी होई भूर, ते लिखिया की है अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। पिछला पासा दूर रह गया हुण अगला समा नेड़े आ रहा मौत दा, भावें काले कर लै पर वह समा तो दिनों दिन नेड़े हुंदा जा रहा। साड़ी बाणी सानू सुचेत करती है, गुरमत सानू जगाउंदी है वार वार। वेख फरीदा जोथिया सकर होई विस, साई बाजो अपने वेदन कहीए किस। कोई समा सी जवानी दे दौरान कहिंदे इंसान जो आउंदा मूहरे ओ ही खा पी जांदा है, पर कहिंदे ओह ही पदार्थ जिहड़े जदों इंसान जवानी वेले खांदा सी घिओ सी मक्खण सी दुध सी बड़े पदार्थ सन जदों खांदा सी शरीर नूं ताकत दिंदे सन, अमृत रूप हो के काम करते सन। पर अज बुढ़ेपा आ गया तो उही पदार्थ घ्यो भी दुध भी मक्खण भी कहिंदे जदों इंसान खांदा है अमृत नहीं शरीर विच जाके जहर दा रूप धारण कर जांदे ने। वेख फरीदा जो थिया, बाबा फरीद जी कहिंदे तब्दीली क्यों आ गई, ये कहिंदे तब्दीली तां आई है तू काल दे अधीन है, समय ने तैनूं प्रभावित कर दिता है। वेख फरीदा जो थिया शक्कर होई विस, ते जिहड़ी ये वेदन है ना आ जिहड़ा तेरा दुख हुण तैनूं व्याप रहा है ये अपने साईं दे पास जाके कह हुण उहनूं याद कर। साईं बाजो अपने वेदन कही है किस। साध संगत जी फरीदा कू कहिंदिआं चगिंदिआं मत्ती देंदिआं नित, कहिंदे मैं कूक कूक के पुकार पुकार के रोज़ कहिंदे महापुरश मत दिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी रोज़ पुकार के मत दिंदी है, लेकिन इंसान एडा गाफल है एडा ढीठ है कि सुनदा ही नहीं। कहिंदे फरीदा कू कहिंदिआं चगिंदिआं मत्ती देंदिआं नित, जो शैतान वंझाया से कित फेर है चित। वो जिहड़ा शैतान दे कलयुग दे अधीन होया होया ना कहिंदे वो चित कित्थे फेरदा है कित्थे सुणदा किसी की गल, उहदे ते प्रभाव ही कलयुग का इन्ना पै चुका है। तो साध संगत मैं जिक्र कर रहा सी भी सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई, कहाँ पयो दरबंधे हाथी छिन मैं पई पराई। एक कथा बाबा फरीद जी दे जीवन अंदर अंकित है कि बाबा फरीद जी कुदरती जा रहे सन, एक माण मती वेसवा जिन्हों अपने रूप से जिन्हों अपने जोबन से बड़ा माण सी, बड़े बड़े धनी लोग उहदे पास आउंदे सन। धनी लोग आउंदे ने बंदे दे पास धन वध जांदा है ते अक्सर बंदे नूं गुरूर हो जांदा गर्व हो जांदा कि मेरी ते बहनी उठनी वड्डे लोकां नाल है। फिर बंदे दी निगाह जमीन ते जांदी नहीं आकाश वल नूं ही रहिंदी है, थले झाकदा ही नहीं। हंकार विच बंदा थले ना झाकण दा मतलब हुंदा है भी उहनूं जिहड़े बाकी दे लोक ने उह कीड़े मकौड़े जापदे ने, गरीब लोग कीड़े मकौड़े लगते ने। वह कहिंदा भी ये कोई बंदे ने इन्हां दे कोल खड़ा मैं चंगा लगता, इन्हां नाल गलबात करदा किते मैं सोभदा। मैं तो कोई धनवान बंदा होए करोड़पति होए अमीर होए उहदे घर मैं जावां, वह मेरे घर आए उहदे कोल मैं खड़ा होवां बैठा होवां फिर ही मेरी इज्जत है ना। सत संगत जी कबीर साहब जी कहिंदे निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे।
तो साध संगत जी, इस तरह बाबा फरीद जी जा रहे सन, तो जांदिया जांदिया की वेख्या भी जिहड़ी वो बेसवा सी ना, वो अपनी दासी नूं बड़ा मार रही है, बड़ा कुट रही है। हाथ विच उन्हें सोटी पकड़ी हुई है तो कुट कुट के मार मार के उहदे शरीर की चमड़ी उधेड़ दित्ती। बहुत सारे लोग इकट्ठे होए ने देख रहे ने, कारण की कि उन्हें वेशवा दे अखां विच पाउण वास्ते सुरमा रगड़िया, तो सुरमा कितें थोड़ा जिहा मोटा रह गया। जदों उन्हें कज्जल की धारी पाई अपने अखां विच, ते अखां च पई रड़क, मोटे सुरमे की रड़क के कारण अखां विचों दो तीन आंसू बह गए, पानी दे तुबके डिगे। बस इन्नी गल पिछे उन्हूं दासी ते इन्ना क्रोध आ गया भी होवे मेरी नौकरनी इहदी की मजाल है भी सुरमा मोटा रख देवे। बस सोटी पकड़ लई, ना अगा वेख्या ना पिछा, ते मार मार के उहदी विचारी की चमड़ी उधेड़ दित्ती। उन्हें मसां पैरां ते डिग के अपनी जिंदगी अपना खेड़ा छुड़ाया। साध संगत जी, देखो हंकार विच गर्भ विच एक छोटी जी गलती सहारी ना गई, इन्ना क्रोध आ गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हूं लग गई बीमारी, बीमारी लगी, तो बीमारी दे कारण जिहड़ी शरीर की सुंदरता सी ना, वो दिनां विच ही अलोप हो गई। दिनां विच सुंदरता अलोप हो गई, तो जो सुंदरता चली गई फिर किने उहदे पास आउणा सी। हुण उहदी हालत इहो जी हो गई भी बीमारी दे कारण दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन बीमारी ने इन्ना प्रभाव पाया, शरीर कमजोर हुंदा गया, तो वह एक दिन मौत दे मूँह विच चली गई। मौत दे मूँह विच चली गई, लोग कहण लगे भी ये पापण सी, कुकर्मण सी, इहदा संस्कार शमशान भूमि विच करिए। लोगों ने उन्हू चुकया शरीर नू, ते जाके जंगल च सुट दिता भी इनू अपनी जूह च भी ना सुटो। पापी बंदे दे नाल अक्सर लोग इस तरह करते ने भी इन्हें इन्ने पाप किए, इन्हू साडी जूह च भी ना सुटो। तो साध संगत जी, होया कि भी अखीर नू जो शरीर पिया पिया मास ते अक्सर गल ही जांदा ना, मास गया गल, तो जिहड़ी अखां वाली थां सी उहदे विच पंछियां ने आलणे पा लए, आलणे पा के उहदे विच दे दित्ते अंडे। ते बाबा फरीद जी कुदरती उन्होंने पहला वह कौतक भी देखिया सी, ते अज कुदरती उत्थों दी गुजरना होया जिथे ये वेशवा दा शरीर पिया सी। ते बाबा फरीद जी ने दिव दृष्टि नाल देखिया भी किसी बंदे दा पिंजर लगता है, पंछी बैठे ने विच घोंसले बना के, भला ये किहड़े इंसान दा पिंजर हो सकदा। जिस वेले ध्यान मारिया ना, तो पता लग्या ओहो ये तो वह वेशवा जिन्हू अपने जोवन ते, जिन्हू अपने धन दौलत ते इन्ना माण सी कि एक कजले की थोड़ी जी मोटी धारी पिछे उन्हें अपनी नौकराणी नू मार मार के, मार मार के उहदी हालत बुरी कर दित्ती सी। बाबा फरीद जी विराग विच आ गए। बाबा फरीद जी कहिंदे, फरीदा जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ। कहिंदे जिन्हां अखां ने किते संसार नू मोहिया होया सी, जिन्हां अखां ने अपना जादू सारे संसार ते पाया होया सी, कहिंदे मैं वह भी देखियां सन। जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ, ते अज उन्हां ही अखां की आ हालत होई पई है। कज्जल रेख ना सहिंदियां से पंखी सूए बैठ, कहिंदे कज्जल की थोड़ी जी करड़ी धारी नहीं सहन करदियां सन, अज पंछियां ने आलणे दिते होए ने, बच्चे कढ़ी बैठे ने, हुण ते बोलदी नहीं, कहिंदे हुण पंछियां नू भी नहीं उड़ा सकदी। ओए बंदिया, एक दिन तेरी हालत यह हो जानी है। तो साध संगत जी, आओ पहला हुक्मनामा सरवण करिए, कुछ एक मिनट हुक्मनामे उपरंत।